गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीषा वर्मा एंड टूडेज टॉपिक इज अवर यूनिवर्स. आई शो यू समथिंग. टॉपिक सोलर सिस्टम ऑल्सो सिचुएटेड इन अवर यूनिवर्स एंड दिस इज पैटर्न ऑफ अवर सोलर सिस्टम. दिस इज सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक अ सोलर सिस्टम. सन इज अ बिग ह्यूज बॉल ऑफ फायर. इट्स मेक अ हॉट और बर्निंग बॉल ऑफ फायर, जिसको हम आग का गोला भी कहते हैं. एंड दिस इज द 8 प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दिस इज द 8 प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. सो इट मेक अ सोलर सिस्टम इन अवर यूनिवर्स. हमारी यूनिवर्स में ये सोलर सिस्टम होती है. वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, सोलर सिस्टम. द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम. If we look at the sky at night, so what we see, some twinkling stars, some shining and brightening moon, that means many things, many objects are there in the sky. They are there in the daytime also, but not visible because of the glare of the sun's visibility. That's why we can't able to see the sky, the moon and the stars at the daytime. So I'll show you something. First, Sun is the center point of our solar system. I'll show you in the book. See, this is the solar system diagram. Sun, it is a huge ball of fire and the 8 planets of our solar system. First is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus and eighth is Neptune. This is the 8 planet in our solar system and our universe. The moon, the sun and the stars and all the planet make the sky are called the heavenly bodies. So the solar system consists of the sun and 9 planet and 16 odd moons are assorted materials. Comets, dust and gas make a solar system. So they are the learning objectives to learn about heavenly bodies. What are heavenly bodies? Heavenly bodies क्या होती हैं? वो दिव्य चीज हैं जो हम अपनी आईज से डायरेक्ट फॉर्म में विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. सो दीज आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. बट इसमें भी कुछ हेवनली बॉडीज ऐसी होती हैं लाइक सन, मून एंड स्टार्स, जिनको हम अपनी आईज से विजिबली यानी देख सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. मैंने एक बहुत अच्छी रिदमिंग तैयार की है बच्चों के लिए, जो प्लैनेट्स को प्रॉपर लर्न करने में हेजिटेट करते हैं, लर्न करने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो एक रिदमिक वे में मैंने उसको प्रिपेयर किया है. सो दिस माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. मेरी मम्मी मुझे, मेरी पढ़ी लिखी माँ मुझे रोज डेली क्या सर्व करती है, क्या देती है खाने के लिए? नट्स. सो इट इज द वेरी क्लियर लाइन टू कंसंट्रेट टू लर्न द प्लैनेट्स नेम. सो मर्करी, मर्करी मीन्स एम, एम एम फॉर माय का फर्स्ट लेटर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मर्करी. M means Mercury, V means Venus, E means Earth, J for Jupiter, S for Sur means Saturn and U for Uranus and for Neptune. So it is a very clear form to learn our planet's name. This is the form and this is our planet's name. So today we are going to learn about the solar system. Sun plus 8 planets make a beautiful solar system. This is the picture of sun. I am sun. I am a burning ball of fire. I am very big indeed. Sun कह रहा है अपने आप को present करते हुए कि मेरा नाम sun है और मैं size में बहुत बड़ा हूँ और मैं hot burning ball हूँ, आग का जलता हुआ एक गोला हूँ. And this is the center point of all the solar system, solar planets.
एंड द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी. इट इज अ ग्रेइश प्लैनेट. ओके. एंड आई एम अ बॉल ऑफ आयरन. आई हैव नो मून. मर्करी का अपने पास कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है, कोई मून नहीं है. एंड दिस इज वीनस. वीनस मीन्स शुक्र ग्रह है ना. आई एम वीनस. आई एम सेम साइज एज द अर्थ. मैं आकार में अर्थ के बराबर ही हूँ. एंड आई हैव नो वॉटर. मेरे प्लैनेट पर वॉटर नहीं है. अगर वॉटर नहीं है तो हम वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, है ना. और मेरा कलर कैसा है? येल्लोइश व्हाइट. ओके. एंड दिस इज द थर्ड प्लैनेट. एंड व्हाट वी कॉल्ड अवर थर्ड प्लैनेट? एंड दिस इज अवर अर्थ. सो व्हाई वी कॉल्ड इज अ ब्लू प्लैनेट? आई एम द अर्थ, द प्लेस वेयर वी ऑल आर लिव. देयर इज लैंड एंड लॉट्स ऑफ सी, सो आई हैव ब्लू. मैं कलर में कैसा हूँ? ब्लू हूँ. ब्लू क्यों हूँ? जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वॉटर. 70% वॉटर सिचुएटेड ऑन द अर्थ. दैट्स वाई इट सी ब्लू. ओके. एंड दिस इज द फोर्थ प्लैनेट. दिस इज द फोर्थ प्लैनेट मार्स. आई एम रॉकी रेड प्लैनेट. माई माउंटेन्स आर हाई एंड आई एम हॉट प्लैनेट. मार्स हैव टू मून्स. मार्स के पास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मून्स हैं. दिस इज फिबोस एंड डीमोस. ओके. एंड द फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर. ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट है. आई एम ए जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट. आई एम अ गैस जाइंट प्लैनेट. आई एम बिगेस्ट एंड आई स्पेंड द फास्टेस्ट. और मैं अपनी जगह पर और सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता हूँ तो बहुत ही फास्ट फॉर्मेशन में करता हूँ. उसके बाद में आई एम येल्लोइश रेड ब्राउन कलर. और देयर इज टू टाइप ऑफ गैसेस सिचुएटेड इन दिस प्लैनेट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये दोनों गैसेस हमारे सन के अंदर भी हैं. एंड दिस इज अवर सिक्स नंबर प्लैनेट सैटर्न. इट इज अ रिंगी प्लैनेट. इस प्लैनेट के पास अपने रिंग होते हैं टू रिवॉल्विंग, जो इसको घूमने में हेल्प करते हैं. एंड इट ऑल्सो अ बिगेस्ट मून. एंड द नेम ऑफ दिस मून इज ट्रीटोन. I am a planet of rings and gases like hydrogen and helium. It is also a two type of gases, hydrogen and helium. And this is the seventh number planet is Uranus. I am Uranus. I am icy gas giant planet. I am the coldest planet in our solar system. And I have rings made of dust. जो इस planet के अंदर rings होते हैं वो create करते हैं उसके अंदर dust. Okay. And this is our eighth planet. And what we call? Neptune. Neptune is the eighth number planet. I am Neptune. I am the farthest planet from the sun. I have many stones. I have six rings which are very dark and gases like hydrogen, methane and ammonia to make the coldest planets. Farthest means सबसे दूर planet है हमारे earth के. आपको दिख ही रहा है sun से सबसे last planet है हमारे earth का. That's why we call the farthest planet from the sun. So here our topic, it's completed. The solar system situated in our universe, sun and eight planets make a proper form. So what we call this form of solar system? Sun और आठ ग्रहों का समूह मिल करके एक pattern create करता है. So उस pattern को हम क्या कहते हैं? Solar system. हर ग्रह की अपनी एक गति होती है. हर ग्रह की परिक्रमा का एक प्रॉपर टाइम होता है. दिस इज अ प्रॉपर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. एंड जब हर प्लैनेट अपनी जगह पर टर्न करता है उसका एक प्रॉपर टाइम होता है. हर प्लैनेट सन के पूरा एक चक्कर लगाने का, पूरा एक रोटेशन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसका एक पर्टिकुलर अलग टाइम होता है. So this is called the rotation and revolution of the solar system or of the sun. So this is the pattern of our solar system. So hopefully you all are enjoyed our class and you learned the topic clearly. Thank you. Stay home. Stay safe.